तो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। तो भाई लोग, मैं फिर से आपकी मनोकामना से पाकिस्तान से एक मस्त वीडियो लेकर हाजिर हो गया आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अच्छा, आज टॉपिक ये है कि एक पाकिस्तानी बंदा आया हुआ था भाई इंडिया विजिट करने, और भाई उसके साथ साथ अपने पिताजी का भी इलाज करवाने आया हुआ था इंडिया में। भाई इसी हवाले से इंडियंस उनके साथ कैसे ट्रीट किए, उनके साथ कैसे मिले, उनके साथ बिहेवियर कैसे किए, और तो और इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं और देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो चलिए भाई, बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे से न्यू लाने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। कि जब मैं सेकंड बार जब इंडिया गया ना, तो वहाँ मुझे पहली बार जब मैं 2015 में अपनी वालदा का लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में था, तो मैंने फेसबुक पे ना अपनी वालदा का जो शेयर किया जी। तो जब मैं शेयर किया कि कोई प्रेयर के लिए, दुआ के लिए कि मेरी वालदा का लीवर ट्रांसप्लांट है, तो आप सब लोग दुआएँ करें, तो उस वक्त वहाँ एक मेरे जान इंडिया में एक मेरे फेसबुक पे देखा, मेरे इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उनका नाम था राजेश मल्होत्रा। अच्छा, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा था वो, जो है ना, मुझे उसने फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज किया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंडियन नंबर था मेरे पास, मैंने वो सेंड किया। उसमें उसने मुझे नंबर पे कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा मैं आऊँगा हॉस्पिटल। वो मेरे पास, हालांकि जब मुझे नहीं था पता, मैंने उसकी फेसबुक आईडी पे देखी, चेक किया, तो वो बड़ा फेमस और बड़ा जो है खूबसूरत नौजवान था। लेकिन जब वो मेरे पास आया, तो वो किडनी फेलियर का पेशेंट था, किडनी उसकी दोनों डैमेजेस थी। देखकर मुझे बड़ा, मुझे खुशी हुई कि यार एक बंदा बीमार है और वो मेरे पास चल के आया है। मेरी वालदा का, मेरे पास मेरी वालदा को उसने हालचाल पूछा, मुझे पूछा, उसने कहा मेरे आपको मेरे लिए कोई भी जो है ना चीज़ चाहिए हो, तो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। राजेश मल्होत्रा मेरे रबते में रहा, मैं वापस जो है वो पाकिस्तान आ गया। वो मुझे मैसेज पे व्हाट्सएप पे बात होती रही। फिर दोबारा मैंने वालदा के जो है ना तब दोबारा लेके गया 2017 में, तो वो उसने मुझे जो है ना कहा कि भाई आपने मेरी तरफ ही आना है। मैं कहा भाई आप देख लो, जो है मैं जो है पाकिस्तानी हूँ, तो आप जो है आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। कहता नहीं यार कोई मसला नहीं बनता, आप भाई मेरे पास दरवाजे खुले हैं, आप आओ। मैं फिर 2017 में जब मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैंने उसको कॉल की, उसने अपने नंबर से फिर जो वहाँ उबर है, ऊबर पे जो है मुझे गाड़ी करवाई। मैं उसके रहाइश पे सीधा जो है ना रात को चला गया। हालांकि वो खुद रेंट पे रह रहा था, उसका भाई था, बड़ा होना चाहिए ना घर, चाहे छोटा भी उस, हालांकि वो बीमार था लेकिन उसका दिल बड़ा था, तो उसका भाई था राकेश रोकी, वो भी जो है उसके साथ रहता था। 2017 में जब मैं उसके घर गया, उसके घर रहा, तो वो मालकन ने उससे पूछा कि ये कौन आए हैं। उसने कहा जी मेरे मेहमान आए हैं पाकिस्तान से आए हैं। उसने कहा कि तू जो है पाकिस्तानियों को अपने मेरी इजाज़त के बगैर रख लिया। तो वो बंदा कहता कि ये मेरे मेहमान हैं आप। उन्होंने कहा जी आपको घर खाली करना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे घर खाली करना पड़ भी जाए तो मैं जो है ना कर दूंगा, लेकिन मैं अभी अपने मेहमानों को जो है ना वो नहीं जाने दूंगा। मतलब कि अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं। इसको आपने कैसे देखा, जब उन्होंने कहा कि आपको घर खाली करना पड़ जाएगा उनको, तो आपके दिल में बात नहीं है कि यार मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम में ना फंसे? मेरे दिल में बात आई, मैंने राजेश भाई को बोला कि मैंने कहा राजेश भाई मुझे हॉस्पिटल अपोलो जो है ना नज़दीक, तो यहाँ से दूर पड़ता है, तो मैं अगर आप कहते हैं तो मैं वहाँ जो है ना चला जाता हूँ। तो कहते नहीं यार भाई आप जो है ना यहीं रहो, कोई बात नहीं है, हम इनका महीना पूरा करके ना तो हम ये घर छोड़ देंगे। ये होता है भाई हमारे इंडियंस का दिल, अतिथि देवो भव, अतिथियों को हम देवता मानते हैं। सही बात है। और इसी संस्कृति के वजह से हम दुनिया का सबसे पुराना कल्चर है, और भाई हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट भी है। सही पकड़े हैं। क्या बात है। और भी कुछ लोग हैं जिनके मेरे साथ दोस्तियाँ हुई हैं, वो मेरे साथ रबते में हैं, मेरे साथ मैसेजेस पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, तो हम एक दूसरे के साथ हमारा मोहब्बत भाईचारा बढ़ा है, हमारा कम नहीं हुआ। मिलने से मोहब्बत बढ़ती है और आपस की नफ़रतें कम होती हैं। जब हम किसी को ये दिखाएंगे, अच्छाई दिखाएंगे, तो फिर ही आपस में प्यार बढ़ेगा। जब हम किसी को बुराई दिखाएंगे, बुराई हालांकि पाकिस्तान में नहीं मिलती। अच्छा पाकिस्तान में अच्छाई है, पाकिस्तान में आप मतलब जितने लोग वेलकमिंग है, ज्यादा वेलकम नवाज तो हैं भाई।
हमारे लोग ज्यादा वेलकम है। मैंने तो उनको कहा भाई जब भी उनको, मैं सबको यही कहता हूँ कि जो मेरे रबते में आपको जब भी दिल करे आप पाकिस्तान आए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम जब 24 घंटे हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। भाई ये तो आपकी बात है ना, आप जैसे कुछ अच्छे लोगों को छोड़ देने के बाद अगर भाई कोई हिंदुइज्म को फेथ रखने वाला इंडिया से पाकिस्तान में जाएगा और भाई हिंदुइज्म की बात करेगा तो भाई क्या उसे वेलकम किया जाएगा पाकिस्तान? क्या उसे अच्छे से पेश आएंगे लोग? जरा सोच के बताइएगा। भाई जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार वहाँ गया था तो मैंने जब देखा कि वहाँ कम अज़ कम 40 से 50 मुल्क इलाज करवाने आ रहे हैं तो मैंने देख के जो है ना मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार देखो हम कहाँ खड़े हैं और वो ये कहाँ खड़े हैं। हमें दीन हमारा इस्लाम ये बताता है कि यार हम लोगों की इंसानियत के काम आए, यहाँ इंसानियत के काम आने की बजाय इंसानियत के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। और वहाँ पर जो है ना हमें देख के जो है ना ये देख के देखा कि वो एक 40 मुल्क 40-50 मुल्क वहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल में। उस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में वो दिल्ली में बहुत फेमस था, बड़ा अरूज था, तो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा पेशेंट जाते थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, अफगानिस्तान से भी आते थे, सूडान से भी, बहुत सारे मुल्क थे उन्होंने वहाँ मैंने इलाज करवाते देखा। बिल्कुल सही हो गया। भाई इंडिया को यूं ही द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम नहीं मिला, आपको हर जगह इंडियन डॉक्टर्स मिल जाएंगे ट्रीटमेंट करते हुए। मेडिकल फील्ड में इंडिया और भाई इंडियंस दोनों ही बहुत आगे हैं। सही बात है। और जो काम इंडिया में नहीं हो सकता उसे भी भाई इंडिया के बाहर बैठे इंडियन डॉक्टर्स जो कि भाई देशों विदेश में बैठे हुए हैं वो ही संभालते हैं। तकरीबन भाई 90% चांस है ये इंडियन डॉक्टर्स हर जगह छाए हुए हैं। ग्रोसरी में सामान लेने गए, आटे का क्या भाव देखा आपने, अंडा जो यहाँ पर क्या भाव मिल रहा है और वहाँ पर क्या भाव है, प्याज टमाटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप खरीदारी तो करते होंगे। अभी खरीदारी करते हुए कभी आपके दिल में बात आई है यार वो लोग तो बड़े लकी हैं, उनको उनके पॉलिटिशियंस ने तो बड़ी सहूलियात दी हैं, हमें क्या सहूलियात नहीं मिली? पहले तो रेट बताइएगा कि रेट वहाँ पर क्या चल रहा है। जब मैं 2015-16 में मैंने वहाँ अंडा खरीदा 5 रुपए का, और 5 रुपए का अंडा खरीदा, 5 रुपए का अंडा, 5 रुपए का अंडा, और वहाँ आटा 30 रुपए का है, 30 रुपए किलो, 25 रुपए केजी। हाँ, तो वहाँ जो है आज भी वही रेट है, एक अंडे का रेट आज भी वही जो है। यहाँ पर अंडा के कितने का का रेट 35 रुपए हो गया है, और यहाँ पर गाइस 35 रुपए का केजी अंडा, आटा यहाँ 150 रुपए का किलो हो गया है। 150 रुपए किलो, आप खुद खरीदते हैं? हाँ मैं खुद खरीदता हूँ। आज मैंने प्याज खरीदा है 250 रुपए किलो। प्याज यहाँ पर 250 रुपए के किलो है और वहाँ पर कितने का था? वहाँ 20 रुपए किलो था। अगर देखें कि एक आम टमाटर भी 10-15 रुपए किलो हैं वहाँ पर। यहाँ पर टमाटर कितने? यहाँ टमाटर तो कभी कभार जो है ना ये ताजर माफिया जो ये जिनके मुंह को हराम लगा हुआ है, बात सोचने की ये है कि ये मुसलमान जो हैं ये हम मुसलमान हैं, हम हमें आवाम की सहूलियात करनी चाहिए, इंसानियत का प्यार दर्श देना चाहिए। हम उम्रे हज ये करते हैं, ये मस्जिदें बनाते हैं, ये मस्जिदें हज उम्रे। टमाटर का रेट यहाँ जो है आज 150 रुपए किलो है। ओए 150 रुपए और वहाँ पर 20 रुपए किलो, जो है 20 रुपए है। भाई आप पाकिस्तान को किसी भी मामले में इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। हम अपनी कंपैरिजन चाइना से, यूएसए से, रशिया से करते हैं भाई, जैसे तो ये कहना नहीं चाहिए लेकिन भाई आपका जो मुल्क है ना वो भिखारी वाला मुल्क है। क्या बोला तूने? अगर कोई भीख दिया तो ही भाई चलेगा, नहीं तो भाई ठप। इसलिए भाई पहले हालत सुधारो फिर कंपैरिजन करना। सही बात है। तो दैट इज गाइस ए खास का वीडियो भाई, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आए हो ना तो जैसे प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ए कमेंट जरूर से कर देना, इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे भी सुनने में लाने के लिए। मैं मिल चुका हूँ वैसे मिलेगा और अपनी कॉन्टेंट लेके, और वैसे महाजाइल वाले कॉन्टेंट लेके, मतलब महाजाइल वाले तो नहीं है, मतलब एक मस्त कॉन्टेंट लेके भाई मैं आपसे मिलूंगा और अपनी मस्त कॉन्टेंट लेके। तब तक के लिए मैं रहता हूँ, बंदे मातरम जिन्हें मैं लिखेगा, बंदे मातरम।